जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जून महीने की पहली वीडियो में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि 19 नवंबर को जब हमारा दिल टूटा था, उसके बाद आपने और मैंने कितना प्रयास करा है उस दिल को दोबारा जोड़ने का। कितनी ना जाने हमने क्रिकेट में अपना कहानियाँ सुनाई, अलग टॉपिक्स पे तो बात हुई लेकिन क्रिकेट की भी काफ़ी बात हुई, अलग अलग तरीके से कि हम इंस्पायर हो सकें, कुछ बढ़िया कर सकें। आज वो मौका आ गया है जब आपको पता है कि भाई इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू होने जा रहा है अब से बस कुछ देर में, आयरलैंड से मैच है 5 जून को, और अब अगले 24 दिन ये कारवां चलेगा 29 जून को फुल इंडिया फाइनल खेलेगा। लेकिन एक बार सिर्फ फाइनल नहीं खेलना है, ट्रॉफी भी उठानी है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है उसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि आयरलैंड से बस कुछ देर में मैच है और 11 बंदों के क्या अपना सदस्य हैं, क्या इंडिया की इस बार प्लेइंग 11 रहेगी पूरे वर्ल्ड कप में, क्या फिक्सचर्स हैं, साथ ही साथ मैं बात करूं तो क्या हेड टू हेड है। तो दोस्तों, मेरे आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के ग्रुप में आपको पता ही है, कोई कहने की बात नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आयरलैंड है। इसके बाद अपना जो आपको पता है अगला मैच है वो 9 को पाकिस्तान से है, उसके बाद US और कैनेडा से 12 और 15 को, तो ये 4 मैच है। इसके बाद होपफुली इंडिया दूसरे ग्रुप में जाएगा, जिसमें इंडिया भिड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड से 20, 22 और 24 जून को, उसमें से 2 मैच जीत लेंगे अगर कोई उलट फिर नहीं होता है तो। और फिर इंडिया होपफुली 27 जून को सेमीफाइनल खेलेगा और 29 को फाइनल खेलेगा। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ हेड टू हेड की, तो अपना उसमें यह कि 7 मैच इंडिया और आयरलैंड के बीच हुए हैं और लकी 7 यानी इंडिया ने 7 के 7 बार बाजी मारी है। 2009 में एक ही बार ये T20 वर्ल्ड कप में भिड़े और बहुत ही वन साइड मैच हराया था, अच्छी बॉलिंग रही थी जहीर और प्रज्ञान हरभजन जडेजा की और वन साइड विक्ट्री कर दी थी। बैटिंग में मैं बात करूँ, रोहित शर्मा अर्धशतक लगाया था, गंभीर, युवराज और धोनी है। जी हाँ, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आयरलैंड की प्लेइंग 11 की। तो ज़्यादा नाम तो आपको पता है चर्चित नहीं है, लेकिन पॉल स्टर्लिंग वो बहुत ही आयरलैंड के लेजेंड हैं, पिछले 16 साल 17 साल से खेल रहे हैं और बहुत रन बनाते हैं। 1-2 खिलाड़ी नए आए, टैक्टर जो इंडिया के सामने पहले भी अच्छा खेले थे, और अपना मैं साथ ही साथ बात करूँ बाकी खिलाड़ी भी काफ़ी बढ़िया, जैसे बलबरीन एक खिलाड़ी हैं वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो इनसे थोड़ा इंडिया को बच के रहना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ बॉलिंग में, आपको पता है डॉकलेल बहुत अच्छी बॉल डालते हैं, काफ़ी लंबे समय से खेल रहे हैं, और जोशुआ लिटिल को तो आपने हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की गुजरात में देखा ही है, क्योंकि इतने स्मार्ट तो हैं शक्ल से और बॉलिंग भी बहुत अच्छी कराते हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ इंडिया की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 रहनी चाहिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ऑब्वियसली बात है, 3 पे ऋषभ पंत, 4 पे जिनका सूर्य हमेशा उदय रहता है, ऋषभ पंत अपना पहला मैच खेलेंगे 1.5 साल के बाद, तो फाइनली इंतजार खत्म होगा। नंबर 1-2 पे हमारी जान, टीम की शान, जो पिछले 10 साल से टूर्नामेंट की वेट कर रहे हैं, विराट और रोहित। 5 पे अगर मैं बात करूँ तो देखने वाली बात होगी कि शिवम दुबे खेल सकते हैं, संजू सैमसन, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे जडेजा, 8 पे मैं बात करूँ तो लोग अक्सर कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि चहल खेले उनकी जगह और हर्षदीप बुमराह और कुलदीप यादव, क्योंकि दोस्तों इससे अच्छी बात क्या रहेगी कि 3 स्पिनर आपके विकेट टेकिंग रहेंगे, जडेजा और अक्षर, क्योंकि सेम ही तरीके के प्लेयर हैं, ठीक है। तो अपना ये कि अक्षर को अपना बात ये रहेगी, कुलदीप और चहल विकेट टेकिंग बॉलर रहेंगे और साथ में बुमराह, और अपना मैं बात करूँ तो अर्शदीप भी रहेंगे। सिराज के लिए जगह नहीं बनेगी क्योंकि हार्दिक पेसर हैं और साथ में पेसर हो जाएंगे दुबे भी, तो इसलिए मुझे लगता है सैमसन की जगह मुश्किल है, शायद पंत ही खेलेंगे। तो काफ़ी अच्छी पेस बॉलिंग है, जिसमें आपको पता है कि बुमराह नंबर 1, 2 पे अर्शदीप, 3 पे हार्दिक, 4 पे शिवम दुबे, अगर अच्छा करेंगे ये चारों तो फिर बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाएंगे टीम में। स्पिन में मैंने आपको बता ही दिया कि अब इसके सिवा पेस में अगर कभी आपको बैकअप चाहिए तो आपको बता आपके पास सिराज है। स्पिन में आपको बताइए कि अगर जडेजा तो पक्की बात है खेलेंगे, कुलदीप खेलेंगे, अगर तीसरे अक्षर रहते हैं तो चौथे चहल भी हैं, तीसरे चहल हैं जो चौथे अक्षर हैं, चारों ही बढ़िया हैं। विकेट कीपर का ये पंत कहीं बहुत अच्छा खेलते ही हैं, अगर उनका बैकअप की बात करूँ तो सैमसन है, अगर बीच में ओपन करा रहा हूँ तो भाई जायसवाल से भी करा सकते हो, और बाकी सूर्य, विराट, रोहित तो आपको रेगुलर खेलते हुए देखेंगे। तो टीम काफ़ी अच्छी है मैं बात करूँ, और होपफुली आशा करते हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगा, क्योंकि इससे बढ़िया बात तो नहीं होगी। और वही जो मैंने कहा कि जो 10 साल से 11 साल से हमारा सूखा चल रहा है, अब वो 10 टूर्नामेंटों से ख़त्म हो, विराट रोहित ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जब वो फोटो खिंचाई थी, वो जो ट्रॉफी थी, तो सोचा नहीं होगा कि लाइफ इट वेरी हार्ड ये उन्होंने कहा होगा, अभी देख के वाली फोटो जो नेट पे बहुत चल रही है, कि किसी ने सोचा नहीं था कि उसके बाद इतने हार्ट ब्रेक हमें मिलेंगे, लेकिन फाइनली वो हार्ट ब्रेक खत्म हो, नहीं तो फिर वही होगा कि जुलाई में आपको और हमें वीडियो ढूंढनी पड़ेंगी बनाने के लिए, क्रिकेट पे कौन सी बनाएं, वैसे तो और टॉपिक्स बहुत हैं लेकिन क्रिकेट पे फिर बहुत दिल टूट जाता है। आप देखो उसके बाद एक भी वनडे में आज तक मैंने वीडियो नहीं बनाई आपके साथ, क्योंकि वनडे हुए भी नहीं और मन भी नहीं करता, वो तो इंग्लैंड और इंडिया की इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज हुई, भला रोहित और उन सभी खिलाड़ियों का कि मज़ा आया, और T20 अफगानिस्तान के साथ जो हुए थे, IPL बीच में हो गया, नहीं तो क्रिकेट की बात ही नहीं हो रही थी। रायना, धवन, युवराज जैसे पे हमने वीडियो बना ली तो थोड़ा दिल खुश हो गया, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। अगर मैं बात करूँगा कि हम क्या बात करते भाई, वो वाली चीज़ है। तो होपफुली हम कहेंगे कि भाई ज़बरदस्त होगा जून का महीना और इंडिया ट्रॉफी उठाएगा 29 को रात को अपना, तब वेस्ट इंडीज़ में होगा USA में, और हम सब एक साथ बोलेंगे चक दे इंडिया। जी हाँ, तो आप भी अभी अपनी प्लेइंग 11 बता सकते हैं कमेंट्स में, बाकी अभी सिर्फ पहले मैच के नहीं, दूसरे मैच से भी धीरे धीरे पता चलेगा, बाकी पाकिस्तान के मैच में थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि भाई बड़ा गेम है तो बड़ी वीडियो की बात होगी, बाकी जब इंडिया मैच जीत चुका होगा तो फुली बात करेंगे। बाकी मैं बता दूं कि स्कोर का नहीं बताऊंगा कि कितना इंडिया पहले बनाएगा यार
आयरलैंड टॉस जीत के क्या करेंगे, क्योंकि पहला ही मैच है इसलिए अभी ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये लो स्कोरिंग ग्राउंड्स हैं यूएसए में, तो पता चल रहा है। वेस्ट इंडीज जब जाएंगे तब देखने वाली बात होगी। तो इंडिया के लिए खुशखबरी है क्योंकि ऐसी पिचों पर आपको पता है विराट से बढ़िया कोई बल्लेबाज नहीं है, जिनको ना लेने की बात हो रही थी। और रोहित, सूर्या या अगर हार्दिक का बल्ला ऐसी पिचों पर चल जाए तो फिर तो भाई वो गेम आपको पता है वही टीम जीत सकती है। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन करूँ तो इंडिया बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी, बॉलिंग करे तो अपना ये है कि बहुत बड़ा स्कोर आयरलैंड को ना बनाने दे। जैसे 140-150 ठीक होता है वर्ल्ड कप में, और अगर खुद भी 170 प्लस करेगा तो मुझे लगता है मैच जीत जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहे क्योंकि आयरलैंड अब ये वो आयरलैंड है जो उतनी ही मैं बात करूँ वीक टीम। और उन्होंने कहा भी है कि पाकिस्तान को तो देखो हम हरा के आए, और पाकिस्तान भी इतनी वीक टीम नहीं है कि उनसे हार गई, तो थोड़ा सा बच के दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।